मैंने सुना है कि रजो धर्म में जो मंदिर नहीं जाना चाहते, मतलब जाते भी है और नहीं भी जाते हैं, तो क्यों? हमारे स्कूल में कुछ लोग आए थे और बोल रहे थे कि अगर तुम ऐसे अगर यूज़ करोगे तो तुम मंदिर जा सकते हो, भगवान के चरण छू सकते हो, पूजा कर सकते हो। क्या करोगे? पैड्स वगैरह जो होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कुछ एक अनोखा टॉपिक है नाज़रीन, चले वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के बारे में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का रिप्लाई किया है, वो भी सब देखना है। तो नाज़रीन वीडियो प्ले कर दे है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पहुंच सके। तो नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। गुरुजी मैंने सुना है कि रजो धर्म में जो मंदिर नहीं जाना चाहते, मतलब जाते भी और नहीं भी जाते हैं, तो क्यों? हमारे स्कूल में कुछ लोग आए थे और बोल रहे थे कि अगर तुम ऐसे अगर यूज़ करोगे तो तुम मंदिर जा सकते हो, भगवान के चरण छू सकते हो, पूजा कर सकते हो। क्या करोगे? पैड्स वगैरह जो होते हैं। आपको हम बता दें कि कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उस दोष को आपसे बचा ले, ठीक है? तो जब वो दिन हमारे जो स्त्री धर्म के दिन आते हैं उन दिनों में, क्योंकि आजकल मॉडर्न टाइम है और आजकल लोग जॉब भी करते हैं तो वो संसारिक कार्य तो करने से वो पीछे नहीं हट सकती क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, जॉब पे जाएंगे तो ये 4 दिन का 5 दिन का कोई हमको छुट्टी नहीं देगा। परंतु ये संसारिक कार्य आप करते हैं वहाँ तक तो सीमित है, भगवान का कार्य पूजा मंदिर कथा इन सब में हमको उन दिनों में नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव पंडाल में भी नहीं आ सकते? कथा में भी नहीं जाना चाहिए, मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए। उन दिनों घर में फुली रेस्ट करना चाहिए, फुली। और मन ही मन में अगर भजन करने का मन है तो मन ही मन में भगवान का नाम कोई भी जाप करते रहें, पर उन दिनों में हमें न कथा में जाना चाहिए, न मंदिर में जाना चाहिए और ना ही रसोई में भी जाना चाहिए। ओ, मेरा सवाल ये है कि इस्लाम पाक नापाक में बहुत मानता है। अभी जब बहनों माता है MC पीरियड में रहती है तो उनको नमाज अदा करने का मौका नहीं दिया जाता जहाँ तक कि वो पीरियड में है। और फिर जब इंसान माता के अंदर में उसका जन्म होता है तो वही MC पीरियड्स में जो MC पीरियड का जो मटेरियल है उससे ही इंसान की जिस्म बनता है। तो फिर क्या हमारा पूरा शरीर पाक है या नापाक है, इसके बारे में समझाने का प्रयास कीजिए। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है, भाई साहब सूरत से है और पूछ रहे हैं कि इस्लाम पाक और नापाक में बहुत मानता है और जब ख्वातीन हैज में होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल उस वक्त उन्हें इजाज़त नहीं कि वो नमाज पढ़े और कहना चाहते हैं कि क्योंकि उस वक्त औरत नापाक है और इसी नापाक के ज़रिए जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त भी नमाज नहीं पढ़ने का हुक्म है। और इसका मतलब ये क्या हर इंसान नापाक पैदा हुआ? ये फलसफा इंसान नापाक पैदा हुआ ये ईसाई का फलसफा है, मुसलमान का नहीं। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मिसाल दी, उससे गलतफहमी हो सकती है लेकिन मैं आपकी गलतफहमी को दूर करूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हूँ मैं जानता हूँ कि औरत जब हैज के वक्त होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स देर आर वेरियस साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो दिमाग की जो चेंजेस होते साइकोलॉजिकल, मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो इस चेंजेस के वजह से अल्लाह सुबहाना व ताला ने औरतों को छूट दी है कि ऐसी हालत में आप नमाज पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, छूट है। छूट मतलब कंसेशन। तो जब किसी आदमी को या औरत को कंसेशन दी जाती उसका मतलब नहीं कि ये उसे जलील कर रहा है, समझ रहे आपने? तो छूट दी जाती कि आप इस वक्त जब हैज की हालत में आपको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ रहे आपने? तो उसी तरीके से ये कहना कि इंसान नापाक पैदा हो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस भी है, हम जो पैदा हुए जो कुरान की आयत है हम पैदा हुए मनी से, सीमेन ओवम एज वेल स्पर्म मिलके जायकोट हो जाता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं उर्दू में क्या कहते हैं जरा मेडिकल स्टडीज किया हूँ, अंग्रेजी में किया हूँ, मीन स्पर्म एंड ओवम मीट इट्स कॉल्ड एज जायकोट, आप समझे ना? तो उसका मतलब हमें जब मनी निकलती है हमें नहाना फर्ज है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। हम जब हम बिस्तरी करते हैं
जो ज़हनी हालत होती है वगैरह, उसके वजह से नहाना ज़रूरी है नमाज़ पढ़ने के पहले। उसका मतलब ये नहीं कि मनी नापाक है। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि मनी नापाक है, लेकिन अक्सर लोग गैर मुसलमान ने मुसलमान भी समझते कि मनी नापाक है। मनी नापाक नहीं है। एक हदीस अल्लाह के रसूल की कि एक शख्स हम बिस्तरी करने के बाद वो मनी कपड़े पे गिर जाती है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उस मनी को खिंचो, मतलब जब ड्राई हो जाता है उसे निकाल दो, बस काफ़ी है। तो ये कहना कि मनी नापाक है, ये हमारी गलत फहमी है। मनी नापाक है ही नहीं। यहाँ पर एक बात समझने के काबिल है, डॉक्टर साहब इस मसले में मुतफर्रिद हैं, इनका ज़ाती एक तफर्रुद है, इनकी राय है, लेकिन जमहूर उलमा की राय और मुत्तफ़ी का फ़ैसला और फतवा वही है कि वो नापाक है। चलिए आगे सुनते हैं डॉक्टर साहब। क्योंकि मनी से हम पैदा होते, तो इसी तरीके से ये सोचना कि इंसान नापाक पैदा हुआ बिल्कुल गलत है, ये ईसाई की सोच है, मैन इज़ बॉर्न इन सिन ह्यूमन मी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान की आयत है मिन मन यमना, एक स्पर्म से पैदा हुए, और कई जगह लगा कि हम मिक्स्ड फ्लूइड से, सूरह इंसान सूरह नंबर 76 वर्स नंबर 2 में कि हमने इंसान को बनाया है अमशाज से, मतलब मिक्स्ड फ्लूइड से। तो इसका मतलब जो औरत में ओवम होता है, जो मर्द में मनी स्पर्म होता है, उससे इंसान पैदा हुआ, और कहीं भी नहीं लिखा है कि नापाक है। बहन ने सवाल पूछा है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 223, जिसमें बहन ने पूछा कि वुमेन आई योर टिल्ट, ट्रीट देम लाइक योर टिल्ट। ये जो कुरान मजीद में कहा गया है कि औरतें आपकी खेती है, तो वैसा उनका सही तरीके से उनसे बर्ताव करो। यह आयत के बारे में आप देखेंगे 222 पढ़ेंगे, इसके पहले आयत पढ़ना इम्पोर्टेंट है। व्हेन दे आस्क द कंसर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जब वो पूछते हैज के बारे में, हैज के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते कि हैज के हालत में आप उनके पास मत जाओ। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अप्रोच देम। क्यों? क्योंकि हैज के हालत में जब खून बहता है, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि चांसेस है जब आप उनके पास जाएंगे इस हालत में तो औरतों को तकलीफ होगी, उसके अलावा बीमारी फैलने के हाई चांसेस है खून के ज़रिए, इसीलिए उनके पास मत जाइए, वरना औरतें आपकी खेती है, आप जब चाहे जा सकते हैं, मतलब वो आपकी है, आपके लिए। और कुरान में आप पढ़ेंगे उसके पहले सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में कहा गया है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, आप उनके लिबास है वो आपकी लिबास है, मतलब आपकी बीवियां आपके लिबास है और आप अपनी बीवियों के लिबास है। लिबास का मतलब गारमेंट्स, मेन मकसद है लिबास का कवर करना, प्रोटेक्ट करना, छुपाना, ब्यूटीफाई करना, ये काम है मियां बीवी का। तो ये आयत में जो कहा गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल डोंट अप्रोच देम एंड दे आर योर टिल्ट, ट्रीट देम एज यू कैन, और इसके और कई मानी हैं जो मेडिकली वी कैन प्रूव। अ लैंड, जब हल चलाते हैं तो हल चलाने के लिए आपको पता है कि बैल के पीछे एक सख्त चीज़ होती है लकड़ी, उस तरीके से आप, देयर आर वेरियस डिफरेंट मीनिंग दैट बी केयरफुल। जो ज़मीन रहती है इट इज़ वेरी सॉफ्ट, द सॉइल इज सॉफ्ट, संभाल के आप ट्रीट कीजिए, संभाल के उनके पास अप्रोच कीजिए। तो कई माने हैं, कई तफसीर है, ताकि आप औरतों को ख्याल रखें और उनके साथ अच्छे तौर तरीके से पेश आइए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो नाज़रीन वीडियो आप सब लोगों ने पूरा देख लिया, बहुत कमाल का वीडियो था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद कर तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा कुछ मिला होगा। अगर इस वीडियो से कुछ मिला है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको बरवक्त पहुंच सकें। शुक्रिया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखना।